नमस्कार धोरण आठना वाला विद्यार्थी मित्रों, आज आप आ वीडियो लेक्चर की अंदर तमारू आज रोज एटले के 2/9/2023 रोज जो हिंदी विषय की एकम कसोटी लेवाणी छे तेमनु संपूर्ण एटले संपूर्ण प्रश्न बैंकनो सोल्यूशन आपणे आ वीडियो लेक्चर में जोवाना छे। मित्रों आपणे वीडियो पुट करवामां एटले के मूकवामां थोड़ी वार लगे छे, कारण के आपणे बधी ज वस्तु टाइप करी अने पछी वीडियो लेक्चर बनावीए छीए, माटे थोड़ू लेट थाय छे। तो थोड़ो सपोर्ट करजो अने तमारा मित्रों साथे पण आ वीडियो लेक्चर ने शेर करजो। तो चलो मित्रों शुरुआत करिए प्रश्न नंबर एक थी। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर दीजिए, एमांथी कोई पण बे लखवाना हता। तो पेलू छे आपके पंता अनुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। बीजू है भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो माओ से जवाब, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में, और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। त्रीजू से मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो मैं जवाब से मित्रों, जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं तो उसे मेला कहते हैं। भारतवर्ष में लगभग माह मेले लगते हैं। मेले तरह तरह के होते हैं। एक ही मेले में तरह तरह के क्रिया क्लाब देखने को मिलते हैं, और विविध प्रकार की दुकानें एवं मनोरंजन के साधन हो सकते हैं। चौथों से आपके मनपसंद त्यौहार का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो त्योहारों के माध्यम से हम खुद को आनंदित और ताजगी भरा महसूस करते हैं, इसलिए हम सभी त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। होली का त्यौहार उनमें से ही एक है जिसे हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और यह मेरा पसंदीदा त्यौहार है, त्योहारों में से एक है। होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और हम इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पांचवों से सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है विधान समझाइए। तो जवाब से मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। इसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है, साथ ही अंतरिक्ष संबंधित रोचक बातें की चर्चा की गई है। छठों से सुनीता विलियम्स की तरह आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे और क्यों? तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहूँगा। आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही है और यह डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उसकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज करवाना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूं। डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सातवां से देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो मैं उसे देश के नव निर्माण के लिए मैं निम्नलिखित कार्यों को करना चाहूँगा। भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए, कानूनी व्यवस्था को सख्त करना चाहिए, जन निर्माण के कार्य में सहायक बनूंगा, समाज को शिक्षित करूंगा। आठवां से उठो धरा के अमर सबूतों कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो कविता से हमें सीख मिलती है कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। नवमू से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए हम महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल में पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। दसवां प्रश्न से, भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है और क्यों? तो भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती सन
20 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। मित्रों, एक नानकड़ी बात के जो तमारे आ प्रश्न बैंकनी ओरिजिनल PDF જોઈતી હોય તો તમે પ્લે સ્ટોર પરથી આપણી એપ્લિકેશન ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ ડાઉનલોડ કરી લેજો, જેમાંથી તમને PDF મળી જશે અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એમની લિંક પણ આપવામાં આવેલી છે। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આવી જ રીતે આપણે તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરેલું છે। તો હવે વિડિયો લેક્ચર લાંબો ન થાય એના માટે આપણે સ્ક્રોલ કરતા જઈએ છીએ, જેથી કરીને તમારા અને મારા બંનેના સમયની બચત થાય અને તમે તમામ પ્રશ્નો ટૂંક સમયમાં કવર કરી શકો।